छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर है, जिसको लेकर कि सारे नेता और प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बीजेपी से स्टार प्रचारक और सांसद रवि किशन रायपुर दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रेस वार्ता में बीजेपी के स्टार प्रचारक रवि किशन ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ को उजाड़ने और लूटने का काम कांग्रेस ने किया है और आदिवासी समाज को सारी सुविधाओं से वंचित कांग्रेस ने रखा। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री शब्द से चिढ़ है। प्रणाम करूंगा समस्त मीडिया बंधुओं को। मैं गुरु गोरक्षनाथ की धरती से सांसद रवि किशन अपनी पार्टी की कुछ चंद बातों को लेके छत्तीसगढ़, जहां पर मैंने फिल्मों की शूटिंग भी की है और हमेशा मैं माना हूं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और जो भाजपा के कार्यकाल में हमने छत्तीसगढ़ की ग्रोथ देखी वही ग्रोथ अभी तक रही। लेकिन इस 5 साल में जैसे इस छत्तीसगढ़ को उजाड़ने का प्रयास किया, इसको लूटने का प्रयास किया, यहाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमा रही, केंद्र की हमारी मोदी जी की सारी योजनाओं से छत्तीसगढ़िया लोगों को वंचित रखा गया, यहाँ के आदिवासी समाज या अनुसूचित समाज या गरीब समाज या भोजपुरिया समाज सभी लोगों को वो सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया, जो कि सबसे बड़ी सुविधा जो मैं अगर आप लोग गोरखपुर आएंगे देखेंगे 5 साल में हमने गोरखपुर में डबल इंजन की सरकार में जो वहाँ पर किया है पूज्य मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा जो वहाँ पर कार्य हुआ, एक सांसद के रूप में आप लोग आके कभी देखें, मैं इस वक्त आप लोगों के आशीर्वाद से टॉप 10 सांसदों की लिस्ट में मेरा नाम आता है।